की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हंगामे की वजह से लोकसभा ठप, विपक्ष का हंगामा आज भी जारी। लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया है, मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हंगामे का सिलसिला जारी है। हंगामे की वजह से लोकसभा ठप हो गई है, विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की है, हंगामा किया है। अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें प्रधानमंत्री का अपमान करने और उनके भाषण के दौरान टोकाटाकी का बर्ताव ना सुधारने की वजह से निलंबित किया गया, और इसको लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ है। हंगामे की वजह से लोकसभा ठप हो गई है, राज्यसभा में भी हंगामा किया गया है। मॉनसून सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा है। Sir, I have to report following messages. One, that Rajya Sabha at its sitting held on 9th August 2023 agreed without any amendment to the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Two, that Rajya Sabha at its sitting held on 10th August 2023. Sir, I have to report following messages. One, that. Z News.